आज मनोज भैया ने सुबह सुबह सारी फूल गोभी निकाल डाली, क्योंकि सारी फूल गोभी चूहे महाराज के पेट में जा रही थी। मनोज भैया हमारी क्यारी की देखभाल करते हैं, तो जितनी भी बड़ी बड़ी फूल गोभी थी उन्होंने निकाल के रख दी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका झटपट अचार बना लिया जाए। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट बनने वाला फूल गोभी का अचार। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी के साथ कुछ आलू भी काट लिए हैं, जिसे ये देखिए राउंड शेप में मैंने काटा है और थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। और यहाँ पे दो फूल गोभी मैंने लिए थे, उसे भी अच्छे से काट करके और साफ कर लिया है। मैं ये अचार बचपन से खाती आ रही हूँ और ये मेरी दादी माँ बहुत बनाया करती थी, ये उन्हीं की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने दो बर्तन ले लिए हैं और दोनों बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया है। अब गैस को कर देंगे ऑन और इसमें एक बर्तन में डाल देंगे हम गोभी, जितनी गोभी हमने काट के रखी थी उसे एक बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए सारी गोभी मैंने एक बर्तन में डाली है और दूसरे बर्तन में हम डाल देंगे आलू। दोनों को अलग-अलग बॉईल करना है, एक साथ बॉईल नहीं करना है। और साथ ही यहाँ पे गोभी में 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच नमक आलू में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स हो करके बस इतना बॉईल करना है जितने में ये दोनों सॉफ्ट हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है इसको। तो इसे होने देते हैं बॉईल। यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच पीली सरसों ली है, इसे मिक्सी जार में डाल करके बारीक पीस लेना है। इस अचार में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं जाता, बहुत कम मसाले में तैयार हो जाता है। तो ये देखिए आलू और गोभी बॉयल हो चुके हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसे गलाया है, बस हल्का सा सॉफ्ट हुआ है ये। ये देखिए मैं फोक डाल के दिखा रही हूँ, बस इतना ही सा हमें इसको गलाना है। और इसी तरह से गोभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इतना कि नरम पड़ जाए वो। अब इसको छन्नी में दोनों को बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे, पानी बिल्कुल भी निकाल देंगे इसका। तो ये देखिए मैंने दोनों छन्नी में डाल करके इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया है और इसे एक प्लेट में फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में फैला दिया है, बिल्कुल गर्म है अभी, तो इस तरह से इसको फैला लें थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे डाल देंगे पीली सरसों, जिसको हमने बारीक पीस लिया था, तो जितना भी पीसा था सारा ही चला जाएगा उसमें, 2-3 चम्मच। साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और यहाँ पे जाएगा 2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये देखिए 2 चम्मच हल्दी पाउडर, जितनी ज़रूरत लगे आपको उतना हल्दी पाउडर डाल दें। और साथ ही यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और यहीं पे हाथ से मसल करके मैं थोड़ा सा कलौंजी डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे हाथ से मसल करके थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसे थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा ताकि सारा गोभी और मसाले मिक्स हो जाए। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक भी जाएगा। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें सेम की फली और मटर भी बॉयल करके थोड़ा सा डाल सकते हैं, उसका भी अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा और साथ में मिक्स होकर के और भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूंगी ताकि देखने में भी और अच्छा लगे। अब इन सब को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले गोभी और आलू में मिक्स हो जाएं। और इसको किसी कपड़े से ढक करके पूरा दिन धूप दिखा लें। अगर अभी मौसम खराब है, धूप नहीं निकल रहा है, तो इसे पंखे के नीचे रख दें। ये एक दिन में ही बिल्कुल रेडी हो जाता है खाने के लिए। तो ये देखिए मैंने एक दिन पूरा धूप दिखा दिया था, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मसाले बिल्कुल धूप में रह करके बिल्कुल लटपट से हो गए हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी, बहुत कम मसाले में और बहुत जल्दी से बन जाने वाला ये अचार है। आप इसे सब्जी की जगह भी ईजली खा सकते हैं। तो अब मैं इसे डाल दूंगी अपने अचार वाले बर्तन में। आप भी इसी तरह से किसी चीनी मिट्टी का या फिर किसी भी बर्तन में आप इसे डाल करके रख लें और आराम से ये 10 से 15 दिन चल जाएगा। 10 से 15 दिन तो चलेगा नहीं, उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
तो एक बार आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को भी पूरी पराठे के साथ आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।